स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। दिल्ली पुलिस के ANS ने एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। दिल्ली पुलिस की ANS यानी एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने पूर्वी दिल्ली जिले से एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार इस महिला को पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसके लिए पहले गुप्त सूचना के आधार पर ANS की टीम बनाई गई, जो मधुविहार थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी में मजदूर कैंप की झुग्गियों के पास एक जाल बिछाया गया और फिर महिला ड्रग तस्कर इशरत जहां को गिरफ्तार किया गया। वह जोशी कॉलोनी IP एक्सटेंशन दिल्ली की रहने वाली है और उसकी उम्र 50 साल है। पुलिस के अनुसार इशरत जहां के पास से 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इस संबंध में मधुविहार थाना में NDPS अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है ताकि इस पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।